ओम शांति। अगर हमें किसी आत्मा को बाबा का संदेश देना है, भले वो कितना भी दूर बैठा हो, हम उसे अपनी संकल्प शक्ति द्वारा बाबा का संदेश दे सकते हैं। इसके लिए बाबा ने हमें बहुत ही अच्छी विधि बताई है, तो चलिए अपने दिव्य बुद्धि रूपी टीवी पर उस आत्मा को देखें जिसे हमें बाबा का संदेश देना है। देखिए, ये देव कुल की आत्मा है। ये परमात्मा का बच्चा है। लेकिन देह अभिमान के कारण, माया के प्रभाव के कारण उसके बुद्धि को लॉक लगा है। वो सत्य परमात्मा प्राप्ति से वंचित है। सत्य परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने से वंचित है। अब अपने दिव्य बुद्धि रूपी वायरलेस सेट द्वारा उस आत्मा से संकल्पों की भाषा में बात करें। हे आत्मन, तुम परमात्मा पिता के बच्चे हो। तुम अपने पिता को भूल गए थे। अब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा आए हैं तुम्हें अपना खोया हुआ भाग्य देने। हे आत्मन, तुम अपना खोया हुआ भाग्य फिर से प्राप्त कर लो। अनुभव करेंगे परमधाम में बैठे शिव बाबा से निकलती शक्तियों की किरणें मुझसे होकर उस आत्मा तक पहुंच रही है। परमात्मा शक्तियों को प्राप्त करके वो आत्मा भी शक्तिशाली बनते जा रहा है। उसके बुद्धि पर माया का जो प्रभाव था वो कम होते जा रहा है।
परमात्मा शक्ति से उस आत्मा का अहम वहम समाप्त हो रहा है। उस आत्मा में सत्य परमात्मा को, शिव बाबा को मिलने की और सत्य परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। उसमें ज्ञान धारण करने की शक्ति बढ़ रही है। अब अपने दिव्य बुद्धि रूपी स्क्रीन पर विजन देखेंगे। मुझ निमित्त आत्मा द्वारा बाबा ने उस आत्मा के बुद्धि का लॉक खोल दिया है। वो आत्मा बाबा के स्थान पर आकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है। परमात्मा ज्ञान को बुद्धि में ग्रहण कर रहा है। उसे सत्य परमात्मा की पहचान हो गई है। उसे ये विश्वास हो गया है कि सत्य ईश्वर, सत्य परमात्मा एक शिव बाबा ही है। सत्य परमात्मा ज्ञान यही है। उसे परमात्मा प्राप्तियों की अनुभूति हो रही है। वो बाबा का पक्का स्नेही बच्चा बन गया है। ओम शांति।